एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट से लद्दाख तक पर्यावरण संरक्षण के लिए बाइक यात्रा करने वाले अशरफ हनीफ को गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अशरफ भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट से लद्दाख तक सबसे ऊंचे स्थान पर एकल बाइक की यात्रा पूरी की है। उन्होंने यह यात्रा स्वच्छ और हरित भारत के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया था। अशरफ ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन जिलों को कवर करते हुए कन्याकुमारी की यात्रा की, जहां से उन्होंने लद्दाख तक अपनी यात्रा जारी रखी। उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने के बाद न्यूज अब तक से बातचीत की है। सर, आप 120 दिन का राइड आपका पूरा हो गया है और यहां से आपको कमेंडेशन मिल गया है, सर कैसा लग रहा है आपको? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये सफ़र जो था ना सर, अब ऐसे लग रहा है कि इसको एक अच्छा एक यू नो एक मंजिल मिल गया है इसको, क्योंकि 120 का जो जर्नी है वो सिर्फ मेरा जर्नी नहीं था, मेरे साथ और भी जो टीम मेंबर्स थे। तो मतलब ये मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे जो पर्पस था स्वच्छ भारत को प्रमोट करना और आइलैंड को प्रमोट करना अक्रॉस द इंडिया, वो काम हो गया। अब मुझे बहुत आई एम वेरी हैप्पी। एक्सपीरियंस तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आई एम वेरी स्पीचलेस, क्योंकि ये जो एंटायर जर्नी था मेरा, वो शुरुआत तो कैंबल बे से हुआ है। कैंबल बे से आपको खुद ही पता है कैंबल बे कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि बहुत खूबसूरत है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, जब मैं मेलबर्न गया था तब बहुत लोगों को नहीं पता था, बट अब मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता है, इस राइड के थ्रू भी काफ़ी लोगों को पता है। तो वहाँ से जब ये जर्नी शुरू हुई और उस जर्नी को मैं लेके गया, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्थ एंड मिडिल कवर करे, फिर उसके बाद चेन्नई, और चेन्नई से कन्याकुमारी, वेस्ट कोस्ट होते हुए हम ऊपर गए लद्दाख, फिर उमलिंगा पास। तो उसमें जितने भी मेजर सिटीज़ थे, उस सिटीज़ को कवर करना और उस सिटीज़ को सिटीज़ में जो लोग हैं, जो राइडर कम्युनिटी है, जो एनजीओस चला रहे हैं, उनसे मिलना, लोकल पब्लिक से इंट्रैक्शन करना, तो ये बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, आई हैव नो वर्ड। मतलब वो जो जर्नी है 120 दिन का ना, वो बहुत खूबसूरत था। मतलब मुझे काफ़ी, मैं मानता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे काफ़ी लोगों से मिलने को मिला, काफ़ी नए लोगों से मिलने को मिला, अपने आइलैंड के बारे में बताने को मिला, स्वच्छता के बारे में बताने को मिला, और अपने मतलब हमारे आइलैंड को प्रमोट करने का मौका मिला। तो इट इज़ अमेजिंग, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए ये। मतलब सर, पहले तो एक बात है कि अंडमान में, मतलब बाहर इंडिया में मैक्सिमम सब लोग, मैक्सिमम एक 70% जन सोचते हैं कि कन्याकुमारी सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है करके, बट आप आके कैंपल बे से शुरू करें, कैसा आपका, कैसा सोचता है ये आपका? सर, ये ना एक्चुअली हम सभी मेलन जाते हैं, तो मेलन में अगर कभी ये सवाल भी उठता है ना कि हम कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, तो हर कोई कन्याकुमारी बोलता है। कोई ये नहीं बोलता है कि अंडमान में है, अंडमान निकोबार में सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि कैंबल बे है, इंदिरा पॉइंट है अपना, तो ये कोई नहीं बोलता। तो मैं काफ़ी इस चीज़ से मैं सोचता था इन चीज़ों के बारे में, क्यों ये अवेयरनेस नहीं है। और काफ़ी जगह मैं जाता था तो लोगों के अंदर एक छोटा सा डाउट्स है कि अंडमान में जाने के लिए वीज़ा चाहिए, परमिशन चाहिए, और वहाँ पे कैसे, मतलब सिस्टम कैसे होता है। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था। मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। एक तो अपना जो हम जो मैं जो काम कर रहा था 15 साल से, जो क्लीनिंग के ऊपर काम कर रहा था, प्लास्टिक कलेक्शंस के ऊपर, तो मुझे लगा कि उसको भी कंप्लीट होने को आया। तो ये सब मिला के मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, और इस टाइम पे मुझे लगता है कि अंडमान को प्रमोट भी करना चाहिए और इस स्वच्छता को प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अंडमान कहीं पीछे नहीं है, अंडमान बहुत आगे है। जो मिथ बना हुआ है कि यहाँ आने के लिए वीज़ा चाहिए, परमिशंस चाहिए, तो मुझे लगता था कि अगर मैं 100 लोग तक भी पहुँच पाया, और 100 लोग में अगर मैं 50 लोगों के अंदर भी ये डाल पाया कि आप अंडमान एक बार घूमने आइए, तो दैट इज़ मेरा जॉब हो गया। मतलब आई बिलीव कि मतलब मैंने अपना काम कर दिया। आने वाले टाइम पे शायद मुझे देख के और भी कई लोग इस चीज़ को ट्राई करेंगे, और वो भी मेरे जो लेवल है उससे कई ज़्यादा ऊपर ट्राई करेंगे वो,
मैंने लास्ट कोने से शुरू किया, शायद वो इंटरनेशनल लेवल पे करे। तो सर, मैं तो आज तक किसी को तो कैंबल बे से शुरू किया ला जर्नी हम तीसरा नहीं, क्या ये आप पहला इंसान है जो कैंबल बे से शुरू किया? जी, मैं एज ऑफ नाउ मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, मैंने सब जगह सर्च तो किया है, तो हिस्ट्री में नॉट इन इंडिया आई थिंक हिस्ट्री में मैं पहला इंसान हूँ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट से, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है अपना उमलिंगा पास, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जो कि 19,000 फीट पे है, तो वहाँ तक जाने वाला मैं पहला इंसान हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुन के ही अच्छा लगा कि आपने शुरू किया, कम से कम आपने शुरू किया, आगे वाला दिन में भी बहुत जन इसको ये अवेयरनेस को और कैरी ऑन करेंगे। 100% मुझे लगता है कि यूथ को तो आगे आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा यूथ जो है आज के टाइम पे काफ़ी अवेयर है हर चीज़ को लेके, बिकॉज सोशल मीडिया है, आप लोग के न्यूज़ का माध्यम है, तो ये सारे माध्यम से लोग काफ़ी अवेयरनेस है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को भी देख के कहीं ना कहीं उनको भी एक मोटिवेशन आएगा। मुझे लगता है कि आज मैं स्टेज पे हूँ तो कल मेरी जगह पे कोई और होगा जो इस बड़े और बड़े स्थल पे करेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अंडमान में आने वाले दिनों पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा चीज़ हमें देखने को मिलेगा। सर, ये बताइए कि आपका ये जर्नी आपका दिमाग में कैसा आया, क्यों ये आपका इंस्टीट्यूट लिया ये? सर, ये पॉइंट यही है कि मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि अगर स्वच्छता के ऊपर अगर हम ना सोचें, हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कहीं ना कहीं बीइंग एज अ आइलैंडर हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को समझें कि जहाँ पर क्लीनेस का बात आए, सिर्फ डिपार्टमेंट्स के ऊपर रिलायबल रहना ज़रूरी नहीं है, अपने ऊपर भी बहुत आता है, तो क्यों ना हम एक छोटे से जगह से शुरू करें। कैंबल बे चूज़ करने का रीज़न भी यही है कि वहाँ पे एक शुरुआत होगा, तो वहाँ से शुरुआत होते 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 सारे जितने भी आइलैंड्स के हर कोने में पहुँचेगा, फिर वहाँ से वो पहुँच के हर स्टेट्स में पहुँचेगा, तो शुरुआत तो कहीं अपने घर से ही शुरू करना है ना सर, तो कोशिश यही थी मेरी कि शुरुआत अपने घर से। कैमल भी आपके सामने आएगी, आप जी 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 जी, मैं तो बोलता हूँ ना कि सर मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जब मैं ये प्लान कर रहा था तो काफ़ी लोग थे जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल इजी नहीं है। पहले तो बाइक लेके जाना वहाँ तक, फिर वहाँ से फिर उसको वापस लाना, बहुत टास्क है ये। तो मुझे लगता है कि जो लोग मोटिवेट कर रहे थे, जो मेरे पीछे थे, जो मुझे पुश कर रहे थे कि आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके लिए थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने भी हर स्थल पे मुझे सपोर्ट किया है, कि मोटिवेश कर रहे थे वो कि हाँ आप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे करके, क्योंकि कार्य अच्छा है ना सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस लेवल पर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य है, हर किसी को करना चाहिए। आई थिंक एवरी वन शुड कम फॉरवर्ड टू डू दिस। सर, बट ये 120 डेज जो आपका जर्नी है वो बहुत रिस्की है, क्योंकि आपको अकेला आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको पूरा इंडिया को घूमना पड़ता है, तो इसके लिए आप सेफ्टी मेजर्स आप क्या क्या करें और कैसा बॉडी बाइक को बनाएं? जी, मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, ये दिस इज़ द मशीन, ब्यूटिफुल मशीन, मैं इसको बोलूँगा कि ये एक होता है ना कि आप जब जर्नी करते हो तो आप फैमिली के साथ करते हो, अपने ब्रदर के साथ करते हो, फ्रेंड के साथ करते हो, और मतलब अपने वाइफ के साथ करते हो, तो मेरी जर्नी का एक मेंबर था ये। तो मैं बोलते हैं ना कि मैन और मशीन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो 120 दिन इस बाइक ने मुझे बहुत साथ दिया। इस बाइक को चूज़ करने के पीछे काफ़ी रिसर्च था कि कौन सी बाइक होनी चाहिए जब आप एक ऐसे लंबे सफ़र पर ट्रैवल कर रहे हो, और क्योंकि अंडमान में हर जगह बाइक को लेके जाना भी एक चैलेंज है, तो हर चीज़ को हमने माइंड पे रखा कि रोड को और जो प्रॉब्लम्स आएगा ट्रांसपोर्ट करने में, जो इश्यूज आएगा, ताकि कोई वेयर एंड टेयर ना हो बाइक में, तो वो सारे सब कुछ उसके बाद हमने फाइनल किया कि क्यों ना अपना इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करें और इसको प्रमोट करें, इन टर्म्स ऑफ कि अपना इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे, और हमने फाइनल इसको किया, इट्स अ रॉयल एनफील्ड हिमालय। इसमें काफ़ी हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है एज़ पर मेरे कम्फर्ट जोन के हिसाब से, ताकि मैं इसको चलाते वक्त मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहे। सेफ्टी वाइज भी हमने इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें हमने इंजन ट्यूनिंग मतलब पावर के लिए भी कुछ कुछ किया हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक है हमने डाला हुआ है, दोनों साइड पर है ये फ्यूल टैंक। ये फ्यूल टैंक का काम ये होता है कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्यूल की प्रॉब्लम इश्यूज आती है, तो ताकि ये एक्स्ट्रा फ्यूल रहेगा तो कुछ किलोमीटर्स हम कवर कर सकते हैं जब फ्यूल अगर ख़त्म हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाइज़र है, जब आप हाईवे पे चलाते हो तो काफ़ी विंड ब्लास्ट होता है, हवा का जो बहुत प्रेशर होता है, तो ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये हवा को थोड़ा सा रोकने का काम करता है ताकि विंड ज़्यादा ना लगे, और क्योंकि विंड ज़्यादा लगने की वजह से नींद भी आती है,
तो उसका भी एक खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ को थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लाइटें लगे हुई हैं। ये लाइटें हमने इसलिए इंस्टॉल किया हुआ है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं या नाइट पे कहीं जाते हैं तो जहाँ पे फॉग होता है तो वहाँ पे इस लाइट की जो विजिबिलिटी है बहुत कम होती है। तो कहीं ना कहीं ये लाइट्स हमें हेल्प करता है विजिबिलिटी के लिए। तो विजिबिलिटी क्या होता है, इससे थोड़ा ब्राइट हो जाता है, आपको देखने में ईजी हो जाता है। तो हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर मतलब आप इसको चला सकते हैं वहीं पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सीट हमने चेंज किया हुआ है। ये सीट जो है ये क्रूज़र सीट बोलते हैं, ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये हमने बाहर से स्पेशली बनवाया हुआ है एज़ पर माई स्पेसिफिकेशंस मेरे बॉडी के हिसाब से, ताकि एक तो मुझे बैक रेस्ट हेल्प मिल जाए। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं इसको, यहाँ से ये यहाँ से निकल जाता है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, ये ऊपर हो जाता है ये नीचे हो जाता है। तो जितना मेरे को कंफर्ट चाहिए उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। प्लस इसमें फोम का अच्छा एक पैटर्न दिया हुआ है, क्योंकि पर डे मेरा टारगेट होता था 500 किलोमीटर चलाना। तो 500 किलोमीटर आप इमेजिन करिए बाइक पे चलाना, इट्स नॉट ईजी। मुझे 10-12 घंटे लग जाते थे नेक्स्ट जो मेरा स्टॉप होता था वहाँ पहुँचने में। तो इसी बाइक पे मुझे काफ़ी देर बैठना पड़ता था, तो मैंने इसको अपने हिसाब से एक कंफर्ट बनाया है। फिर उसके बाद हैंडल का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो हैंडल में भी काफ़ी सारे स्विचेस दिया हुआ है। ये हैंडल पूरा चेंज है, ये कंपनी वाला नहीं है, इसको हमने अपने मेरे जो बैठने का जो पॉस्चर है उस हिसाब से इस हैंडल को बनाया गया है। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो वायर है इसको डबल क्लच बोलते हैं, ये हमने सारे एक्स्ट्रा फिटेड है। कहीं पे अगर कुछ टूट गया मेरा तो मैं खुद ही इसको मैकेनिकली ठीक कर सकता हूँ। वायर जो है डबल क्लच है। जी जी, ये बस ये पूरा कनेक्टेड है। इसको जैसे ही ये मैं निकालूंगा, और अगर ये टूट गया मान लीजिए, तो टूट गया तो मैं निकाल के मैं इसको, जी प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो फ्यूल को लेके हो, चाहे आपके कम्फर्ट को लेके हो, चाहे मैकेनिकल हो, तो ये आपको तो मतलब आपको लेके ही चलना पड़ेगा। आपको एक एज अ प्रिकॉशंस मान लीजिए या आपको सेफ्टी मान लीजिए, ये आपको अपने तरफ से लेके ही चलना पड़ेगा। तो बाकी बहुत सारी चेंजेस है, जैसे कि ये बॉक्सेस है, इसको हम पाइनियर बॉक्स बोलते हैं, जो कि इसमें मेरे कुछ कपड़े आते थे। तो इसमें हम ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी गाड़ी का जो वेट है उसको भी बैलेंस करना है। तो आप हार्डली जो वेट है वो एक मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग कैरी करते हैं, जिसमें मान लीजिए कि हमने 5 kg इस तरफ डाल दिया तो 5 kg उस तरफ होना चाहिए, अदरवाइज़ बाइक क्या होता है एक तरफ दूसरे तरफ जाने लग जाएगा। तो सब चीज़ को मेजर करके डालना होता है। तो कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी हमारी यूटिलाइज, खाने पीने का सामान, लिमिटेड। तो हर चीज़ को आपको कैलकुलेशन करना है। तो मैं मान लीजिए कि एक स्टेट पे जा रहा हूँ, 3 स्टेट में 2 कपड़े लेके जाता था, तो वहाँ पे उस 2 कपड़े को डिस्कार्ड कर दिया, फिर वहाँ पे कपड़े ले लिए, किसी को दे दिया। वैसे क्लाइमेट भी चेंज होता है, जी हर जगह आपको क्लाइमेट भी चेंज होगा, क्लाइमेट का अकॉर्डिंगली आपको ड्रेस भी आप करेक्ट। जैसे अभी जैसे मैं साउथ से क्रॉस करके जब मैं नॉर्थ जा रहा था, तो नॉर्थ में मैं जाने के टाइम पे ठंड शुरू हो गई थी। तो ठंड शुरू होने के टाइम में मुझे जैकेट्स चाहिए थे, अंदर स्वेटर पहनने के लिए चाहिए थे, अंदर जो विंटर वेयर पहनते हैं वो चाहिए था, तो काफ़ी कुछ था। तो वो हर स्टेट में मैं चेंज कर लेता था, मतलब वहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता था और जो पुराने हैं वो किसी को दे देता था, तो ऐसे मैनेज करके चलता था। बट एवरेज कपड़ा इसमें 3 से ज़्यादा आप कैरी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वेट के अकॉर्डिंग होता है कि आप कितना वेट कैरी करना चाहते हो। तो मुझे वो दोनों को बैलेंस करना पड़ता था, क्योंकि उस तरफ में भी वही वेट होना चाहिए, इस तरफ में भी सेम वेट होना चाहिए। इसमें आप क्या यूज़ करें, इसमें क्या क्या लेके गए? इसमें कपड़े हो जाते थे, और जैसे रेनकोट हो गया, क्योंकि मैं जब गया था तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो रेनकोट कैरी कर लिया, क्योंकि कहीं कहीं आपको रेनकोट पहनना पड़ता है। फिर मेरे राइडिंग जैकेट्स वगैरह जो कुछ होता था, तो कपड़े वाला आइटम इस पे हो जाता था। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं टॉप बॉक्स। ये टॉप बॉक्स का काम ये होता था कि जितने भी मेरे गैजेट्स हैं, चाहे वो लैपटॉप हो गए या कैमरा हो गया या ऐसा कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस पे डालता था। मैं ये आपका ग्लव्स हो गया। सेफ्टी फीचर्स के लिए तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको कैरी करना होता है। ये फ्लैग मैं हमेशा निकाल के रख देता था, ये फ्लैग यहाँ पे लग जाता था, जब भी मैं राइड करता था तो ये फ्लैग यहाँ पे लग जाएगा। ये फ्लैग यहाँ पे लग जाता था, इसके ऊपर एक पिट है,
वो लग जाएगा। तो फ्लैग आपका जब आप बाइक राइड कर रहे हो तो फ्लैग रहेगा। जब भी इसको मैं निकालने का कारण ये था कि कहीं मैल ना लग जाए, गन ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है हम सभी के लिए, सारे हिंदुस्तानी के लिए। तो मैं नहीं चाहता था कि ये गंदा हो जाए या इस पर धूल मिट्टी लग जाए या बारिश के छींटे या वो लग जाए। तो जहाँ मुझे लगता था कि इसको लगाना चाहिए वहाँ लगाता था, और जब मुझे लगता था कि उसको नहीं रखना चाहिए वहाँ पे, तो निकाल के इसको हम इसी पे रख देते थे बड़े प्यार से। और इसमें जैसे मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, और यही है अपना पूरा रूट मैप। ये आपका अंडमान, ये मैंने मेंशन किया हुआ था इस बॉक्स पे, ये इंदिरा पॉइंट है, ये हमने पूरा कवर किया अंडमान का, और उसके बाद हम ये पूरा मैप जो कवर करते हुए वापस आ गए। कौन सा स्टेट अब गए जी? ऑलमोस्ट इसमें जितने भी ये जितना भी आपको दिख रहा है ये वेस्ट कोस्ट का, इसमें हमने सारा ऑलमोस्ट सब कवर किया हुआ है, और वापस हमने ईस्ट से आते हुए जितना भी है वो सब कवर। अच्छा, वेस्ट भी कवर करें और साथ में ईस्ट भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद ये हम आ जाते हैं इस पे जो हमारा जितना भी टूल किट्स होता था बाइक का, क्योंकि आपको ये कैरी करना पड़ता है, पंचर किट हो गया और आपका जो भी नॉर्मल यूटिलाइज का जो टूल्स हो गया, प्लस मेरा छोटा सा एक चूल्हा रहता था इसमें, ताकि मुझे कहीं खाना वाना ना मिले तो मैगी वगी मैं बना लूँ अपना सेफ्टी के लिए। तो इसमें जो भी उस टाइप के चीज़ें मैं रखता था, जो कि मतलब इमरजेंसी में जो भी यूटिलाइज कर सके, वो सारी चीज़ें इस बॉक्स पर रहती थी। उसके बाद अगर हम आ जाए तो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि ये गार्ड है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप ऐसे राइड पे जाते हो, क्योंकि मैं दो बार स्नोफॉल पे गिर गया हूँ वहाँ पे बर्फ़ पे, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्या होता है कि जब आपके पाँव वगैरह बच जाते हैं जब आप गिरते हो, तो इससे क्या होता है कि ये इंजन को भी गार्ड कर देता है, प्लस आपके पाँव को भी गार्ड कर देता है। तो दिस इज़ वेरी सेफ। और मैं जब चलाता था तो कोई हाईवे वे में, इसमें मैंने एक सिस्टम डाल के रखा हुआ है क्रूज़ कंट्रोल बोल के, इसको क्रूज़ बोलते हैं, ये अपना खुद का इंडियन हम लोग जुगाड़ बोल लीजिए। तो ये क्या करता था, इसको हम स्पीड पे लॉक कर सकते हैं जो भी स्पीड पे अपने को चलाना है, और उसके बाद कंफर्टेबली मैं पाँव यहाँ पे रख के हाईवे पे इजीली चला सकता हूँ, जब तक मुझे लगे कि वो जगह सेफ है वहीं पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसको सिटी राइड पे या कहीं में भी राइड करें। ये सिर्फ इसलिए है ताकि जब एक्सलेटर आप पकड़ के रखते हो काफ़ी देर, तो आपके रिस्ट में पेन शुरू हो जाता है, तो ये कुछ देर के लिए आपको आराम देने के लिए ये एक जुगाड़ सेट किया हुआ है हमने। और बाकी ये नकल गार्ड है, बाकी ये जीपीएस सिस्टम है, यहाँ पे हम जीपीएस का लगा देते थे ताकि जो भी रूट है वो मेरे विजिबल रहे, ताकि वो मेरा स्पीडोमीटर्स और सबके साथ मुझे दिखाई दे, ताकि ये विजिबल रहे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। और प्लस इस हेलमेट की अगर मैं बात करूँ, तो इस हेलमेट पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिस्टम है, इसको इंटरकॉम बोलते हैं। ये इंटरकॉम करीबन नहीं नहीं करके तीन चार और गैजेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, हम विदाउट फ़ोन भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं जहाँ पे नेटवर्क ना हो। और ये इसकी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है, प्लस इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा जो भी मैं जहाँ राइड कर रहा था उसको रिकॉर्ड कर रहा था ये। और उसके बाद ये जो इसका जो फीचर्स है इस हेलमेट का, ये है कार्बन हेलमेट, कार्बन फाइबर, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली बोलते हैं कि ये थोड़ा लाइट वेट होता है, और दूसरा इसकी सेफ्टी फीचर्स भी थोड़ी सी बेटर है। और इस पे देखिए, जैसे कि इसमें मैंने अपना ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, इन केस जैसे मैं बाय गॉड्स ग्रेस मैं सही सलामत हूँ, बट अगर कुछ हो जाता है तो क्या है कि उनको पता रहेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप इस पे क्या है करके, ताकि उनको उस वक्त चेक करना ना पड़े। प्लस इसमें एक लिखा हुआ है इंग्लिश में कि जो डॉक्टर नहीं है वो हेलमेट ना निकाले, क्योंकि अगर हेड इंजरी होता है तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि उसका हेलमेट निकालते हैं, हमें यही नहीं पता कि कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है। तो ये अगर वो डॉक्टर है तो वो निकाल सकता है, अदरवाइज़ एडवाइस यही होता है कि जब तक डॉक्टर ना आए तब तक हेलमेट ना निकाले तो ज़्यादा बेटर होता है, तो उसके लिए हमने ये लगाया हुआ है। तो ये सारी फीचर्स है सर इस बाइक की, ओवरऑल तो यही है, इसी बाइक ने हेल्प किया कि सही सलामत हम जैसे गए वैसे ही आ गए। और इसमें हमारा स्लोगन लिखा हुआ है, अंडमान इंदिरा पॉइंट टू लेह लद्दाख, ताकि लोगों को पता रहे अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं। इस पे भी आप देख सकते हैं जैसे स्वच्छ भारत का हमने लोगो लगाया हुआ है, स्वच्छ भारत का लोगो लगा हुआ है इसमें हमारा, जो 50 हमने शुरू किया था 15 अगस्त को, तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। बाकी अंडमान का इंदिरा पॉइंट टू उमलिंगा पास जो हमने कवर किया है, वो सारा स्लोगन इस पे लिखा हुआ है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।